दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इस तरह का हेल्दी नाश्ता खाना, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, तो वीडियो को पूरी एंड तक देखें। तो यहाँ पर गई मैं अपने छोटे से मिनी गार्डन में, वहाँ मुझे एकदम फ्रेश फ्रेश ताज़ी पालक दिखी कि जो थोड़ी सी ग्रो हो चुकी थी, क्योंकि मैंने 2 बार इसको कट कर लिया है, तो थोड़ी थोड़ी ग्रो हो चुकी थी। और दिखी हरी मिर्च, तो दोनों को मैंने तोड़ा, अच्छे से कट किया, और देखिए कितनी ढेर सारी पालक इसमें निकल चुकी है। तो मैंने इसको आकर वॉश किया, और यहाँ पर पड़ी थी मेरे पास थोड़ी सी बची हुई बासी लौकी, जो कि मैंने इसका आधे का रायता बना के यूज़ कर लिया था, और आधे ये फालतू रखी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एकदम हेल्दी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट रेडी किया जाए। तो इस तरह से मैंने लौकी को लिया और उसको छील लिया और उसको अच्छे से कद्दूकस कर लिया। इसको मैंने पानी में नहीं डाला था, क्योंकि हमें बेसन के साथ इसे घोलना था, तो इसमें पानी भर जाएगा, तो ये थोड़ा सा पानी ज़्यादा रिलीज़ करने लगेगी। इसलिए हमें ऐसी चीज़ें अगर बनाना है तो लौकी को कद्दूकस करके ज़्यादा नहीं पानी में डालना चाहिए। यहाँ पर मैंने पालक को भी अच्छे बारीक कट कर लिया था, और एकदम फ्रेश धनिया लिया था, यहाँ पर मैंने उसको भी अच्छे से चॉप कर लिया था, और जो हरी मिर्च थी हमारे पास वो उसको भी मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था। सभी चीज़ों को अच्छे से बारीक चॉप करके मैंने रख दिया था साइड में। यहाँ पर एक पैन लेंगे, एक बाउल लेंगे हम। बाउल में सबसे पहले हम लौकी को ऐड करेंगे, फिर पालक, हरी धनिया, जो हमने सभी चीज़ें कट करी थी, उन सब चीज़ों को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि हम चीला बनाकर रेडी कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने बेसन लिया, जितना हमारा चॉप्ड सामान है उसकी क्वांटिटी के हिसाब से अब इसमें हम बेसन ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, बेसन ऐड करने के बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे, लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, आप जो मसाला इसमें पसंद करते हैं वह इसमें डाल सकते हैं। तो बस दोनों चीज़ों को डालने के बाद इसको मैंने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद इसका एकदम स्मूथ सा बैटर बना के रेडी कर लिया। यहाँ पर पानी डालते ही ये और इसको घोलते ही एकदम स्मूथ बैटर बन जाएगा, और इसको रख देंगे हम साइड में थोड़ा सा सेट होने के लिए, कि कोई भी हम बैटर बनाकर रेडी करते हैं उसको 5 मिनट के लिए गलने छोड़ देते हैं, तो जिससे ये जितना इसमें पानी होगा उसका उतना ही रिलीज़ हो जाएगा, हमें ज़्यादा पानी की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इसको हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ढककर। यहाँ पर हम पैन रखेंगे, उसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, तवे को हमें अच्छे से गर्म ही करना है, उसके बाद ही हमें इसमें ऑयल ऐड करना है। ऑयल इस पर ऐड करने के बाद अब इस चीले का बैटर हम इस पर डाल देंगे। ये नाश्ता बहुत ही हेल्दी भी रहता है और बनाने में बहुत आसान, झटपट बनकर रेडी हो जाता है। जब हमें सुबह सुबह इतने काम रहते हैं कि ये सब चीज़ें बनाना बहुत ही आसान हो जाता है, अगर इस तरह की चीज़ें हो तो। बैटर हमारा अच्छे से गल चुका है, और आप देख सकते हैं कितने आराम से इजीली तरीके से ये एकदम चीले में फैल गया है। स्पून की मदद से हमने एक हाथ भी नहीं लगाया है, उंगली भी नहीं लगाई, बस स्पून की मदद से इसको अच्छे से फैला दिया है, और धीरे धीरे ये पकने भी लगा है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम ऑयल ऐड कर देंगे। आप इसको बिना ऑयल के भी बना सकते हैं, क्योंकि नॉन स्टिक पर ये बिना ऑयल के बन सकता है। अब इसको हम थोड़ा सा ढककर कुक करेंगे, जिससे ये थोड़ा सा अच्छे से पक जाए। ढकने के बाद आप देख सकते हैं इतने अच्छे से पक चुका है। अब इसको हम उल्टा पलटी कर देते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ये पलटने में ये टूट गया है, अब इसको यहीं की यहीं सेट कर देंगे, जिससे ये इसका छेद बंद हो जाएगा, क्योंकि ये जब गीला रहता है तो स्मूथ रहता है, तो बस ये चिपक जाता है वहीं की वहीं। तो बस इसको मैं पलट दूंगी, आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा ब्राउन कलर।
एक तरफ ये अच्छे से ब्राउन कलर इसने दे दिया है, अब दूसरी तरफ से भी हम इसको पलट पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी इतना अच्छे से करारा सिकने लगा है। आप देख सकते हैं दूसरी तरफ से भी ये थोड़ा सा करारा हो चुका है। अब इसको हम इसको दबा दबा कर इसको थोड़ा सा और करारा करेंगे। तो यहाँ पर हमारे चीले इस तरह से सारे बनकर रेडी हो चुके हैं। अब इसको हम टिशू पर निकाल देते हैं जिससे इसमें जितना भी ऑयल होगा वह सारा निकल जाएगा। अब इसके लिए हम एक तीखी सी और स्पाइसी सी चटनी बनाकर रेडी कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसके लिए मैंने ली है 2 टमाटर लिए हैं, 2 चेरी टमाटर लिए हैं और हाँ खूब सारा हरा धनिया लिया है और 2 हरी मिर्च लिए हैं और 4-5 कली लहसुन की ली हैं। ये चटनी बहुत ही स्पाइसी और मज़ेदार बहुत टेस्टी बनकर रेडी होगी और साथ में इसमें नमक, साबुत जीरा और लाल मिर्च पाउडर भी ऐड किया है और ग्राइंड करने के बाद इसकी बहुत ही प्यारी सी चटनी बनकर रेडी हो जाएगी। तो वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक यू एंड बाय बाय। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के साथ।